नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रंजीत और आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार के संविदा कर्मियों का लोकप्रिय नेटवर्क न्यूज 444 न्यूज नेटवर्क। तो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की महत्वपूर्ण खबर बिहार के संविदा कर्मियों के प्रति बिहार के अधिकारियों में, वरिष्ठ अधिकारियों में कितना उदासीन रवैया भरा पड़ा है। अधिकारी बिहार के संविदा कर्मी विरोधी हैं और संविदा कर्मियों के बारे में क्या ख्यालात रखते हैं और मुख्यमंत्री को क्या सलाह देते हैं, वह सारा खबर का खुलासा आज अपने चैनल के माध्यम से हम बिहार के संविदा कर्मियों के समक्ष करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक कीजिएगा उसका प्रतिफल बिहार के पंचायत प्रतिनिधियों सहित बिहार के संविदा कर्मियों को ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ बिहार के पंचायत प्रतिनिधि और संविदा कर्मी से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दे उठाए जाते हैं, गंभीर सवाल खड़े किए जाते हैं। तो सारा खबर का खुलासा हम आपके समक्ष करने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं बिहार को छोड़कर देश के दर्जनों राज्यों ने अभी तक, यानी कि वर्ष 2023 में, संविदा पर नियोजित कर्मियों के वेतन वृद्धि सेवा नियमितीकरण का कार्य कर चुकी है। यानी कि संविदा पर बहाल हुए लोग अब सरकारी कर्मी घोषित हो गए हैं बिहार को छोड़कर अनेकों राज्यों में। इनमें सबसे ज़्यादा उड़ीसा राज्य के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा एक ही बार में 57,000 संविदा कर्मियों को राजकर्मी बना दिया गया, यानी कि सरकारी कर्मचारी हो गए वे संविदा कर्मी नहीं रहे, वे नियमित कर्मी हो गए। उनको तमाम तरह का वेतन भत्ता आदि सुविधाएँ मिलनी शुरू हो गई। उसी प्रकार हरियाणा, राजस्थान, नई दिल्ली, झारखंड, मध्य प्रदेश में भी संविदा पर नियोजित कर्मियों को राजकर्मी घोषित किया गया है इस वर्ष। इसी को देखते हुए बिहार में भी संविदा पर नियोजित कर्मियों को राजकर्मी घोषित करने की मांग उठ रही है। तमाम तरह के संविदा पर नियोजित कर्मी अब जो है कि एक्टिव होकर संविदा कर्मियों को राजकर्मी घोषित करने की मांग कर रहे हैं। जब यह मांग जोर पकड़ना शुरू हुआ और यह बात नीतीश कुमार जी तक पंचायत नियोजित शिक्षक, किसान सलाहकार, आशा कर्मी, शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज के जैसे तमाम जो आंदोलन में शामिल हुए उन संविदा कर्मियों का यह जो है कि बहुत बड़ा एक उपलब्धि है कि यह मांग जो है कि सरकार के समक्ष जोर पकड़ लिया और जो है कि उठ खड़ा हुआ। बात नीतीश कुमार तक पहुंची और नीतीश कुमार ने अपने अधिकारियों को बुलाकर इस संबंध में मुख्यमंत्री के समक्ष यह जब सवाल खड़ा हुआ, लोग जो है कि ईंट से ईंट बजाना शुरू किए आंदोलन के माध्यम से, तो मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को बुलाकर इस संबंध में कहा कि अब क्या किया जाए और कैसे किया जाए यह जानने का काम बिहार के अधिकारियों से उन्होंने शुरू किया, जिसमें जो है कि बिहार के अधिकारी मुख्यमंत्री को बरगलाना शुरू कर दिए। अंदर की खबर निकल कर आ रही है कि बिहार के अधिकारियों ने बहुत ही गलत सलाह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दिया। बिहार के अधिकारी निम्न दर्जे की बातें करने लगे और उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय से कहा कि बिहार में नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी घोषित किया जा सकता है और इसके अलावा कुछ ऐसे संविदा कर्मी हैं जो जैसे शिक्षा सेवक, तालीमी मरकज, विकास मित्र, जो सरकार का वोट बैंक हैं, इनके वेतन में वृद्धि किया जाए और बाकी को वैसे ही उनके हाल पर छोड़ दिया जाए। इस झमेला में न पड़ने की सलाह अधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री को दिया गया और कहा गया कि मुख्यमंत्री को अपना पाला झाड़ लेना चाहिए। सारी बातें सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने जब अधिकारियों को बताए कि यदि यह बात आप जो कह रहे हैं इसको जो है कि मान भी लिया जाए तो क्या जो संविदा कर्मी आंदोलनरत हैं और जो है कि संविदा पर नियोजित कर्मी हैं उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा, तो यह बताइए कि कैसे किया जाए। इस बात के जवाब ने अधिकारियों ने जब अपना घटिया तर्क देना शुरू किया, उन्होंने यहाँ तक कहा कि बिहार में
वोट विकास के नाम पर नहीं जातीय समीकरण बनाने से मिलता है। और उन्होंने मुख्यमंत्री को समझाते हुए कहा कि आप चाहे कुछ भी कह लीजिए कर लीजिए, आपको बिहार में सिर्फ कुर्मी धोबी राम जादव मुसलमान का ही वोट मिलता है, बाकी राजपूत ब्राह्मण भूमिहार कायस्थ तेली कानू कोयरी लोहार मलाह पासवान आदि जातियां जो है वह है आपके समीकरण के वोटर नहीं है, आप इनको राजकर्मी भी घोषित कर दीजिएगा तो ये लोग आपको वोट नहीं देंगे। इसलिए संविदा पर नियोजित कर्मियों के चक्कर में पड़ने के बदले इन जातियों के नेताओं के साथ समीकरण बनाने का सलाह विद्वान अधिकारियों के द्वारा मुख्यमंत्री को दिया गया। खबर है कि इस बात पर मुख्यमंत्री महोदय ने असहमति व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि मैं किसी जातीय समीकरण में विश्वास नहीं करता, बिहार की समक्ष जनता के लिए काम करने में विश्वास करता हूं। आप लोग जल्द से जल्द ऐसा प्रस्ताव तैयार कीजिए जिसमें जो है कि जिसमें विभागीय नियोजित शिक्षकों के साथ साथ संविदा पर नियोजित तमाम कर्मियों को जो है कि शांत करने के लायक और उनकी जो है कि मांगों को पूरा करने के करीब करीब जो है कि बातें कैबिनेट में पारित किया जा सके और तमाम संविदा पर आंदोलित जो कर्मी हैं वे जो है कि चुनाव तक शांत हो और चुनाव पूर्व जो है कि सरकार का जो विरोध व्याप्त है उन लोगों में वो उसको कम किया जा सके। इस पर अधिकारी मुंह लटकाए अपने अपने जो है कि गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर गए, किंतु यह जो खबर अभी अंदर की खबर जो निकल कर आई है, जो बातें जो प्रकाश में आई है, इससे एक चीज स्पष्ट हो गया कि बिहार के बड़े अधिकारी नहीं चाहते कि बिहार के छोटे छोटे संविदा पर नियोजित कर्मियों का सेवा नियमितीकरण किया जाए, उनको जो है कि राजकर्मी घोषित किया जाए, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री इसके विपरीत चाहते हैं कि बिहार के संविदा पर नियोजित कर्मी जो आंदोलनरत हैं वे उन्हीं के राज्य के निवासी हैं, उन्हीं के जनता हैं, वे किसी जाति पाति पर विश्वास करने के बजाय बिहार के जनता का विकास करने की बात सोच रहे हैं और वे चाहते हैं कि बिहार में संविदा कर्मियों को 100% न सही तो कम से कम जितना ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मांगों को पूरा किया जा सकता है सरकार करे, और उनकी यह सोच है कि बिहार में सिर्फ नियोजित शिक्षकों की मांग को पूरा न करके बिहार के तमाम संविदा पर नियोजित कर्मियों को कुछ न कुछ उपहार तोहफा दिया जाए और इस दिशा में कार्य करने का अग्रेतर आदेश उन्होंने वरीय अधिकारियों को दिया है, किंतु बिहार के अधिकारियों की मानसिकता संविदा पर नियोजित कर्मियों के विपरीत है। इसलिए जो है कि संविदा कर्मी होशियार रहें, जागृत रहें, तटस्थ रहें और आंदोलनरत रहें, क्योंकि अधिकारियों से उनकी लड़ाई है न कि सरकार से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।